हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिक नेशन। इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें तो एमजी कंपनी ने सबसे पहली अपनी ZSEV SUV कार लॉन्च की थी। उसके बाद एमजी ने इंडिया की सबसे ज्यादा अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार कॉमेट EV भी लॉन्च की और अब ये कंपनी बजट सेगमेंट में अपनी एक न्यू इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रही है। 15 लाख की कीमत पे एमजी की थर्ड इलेक्ट्रिक कार आएगी जो कि नेक्सॉन EV और XUV 400 जैसे इलेक्ट्रिक कार्स को टक्कर देगी। इस इलेक्ट्रिक कार का नाम होने वाला है एमजी एक्सेलर। रिसेंटली कंपनी ने एक्सेलर नाम से ट्रेडमार्क भी फाइल किया है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसे कि एमजी कॉमेट EV वुल्विंग एयर EV की कॉपी है, वैसे ही एमजी की ये थर्ड इलेक्ट्रिक कार बाओजुन येप EV की कॉपी होने वाली है जो कि पहले से ही चाइनीज मार्केट में सेल हो रही है। और काफी हद तक चांसेस हैं एमजी की इस नई इलेक्ट्रिक कार के जो स्पेक्स हैं वो भी बाओजुन येप EV की तरह ही होंगे। यानी यहाँ पर जो मोटर होगा वो लगभग 75 किलोवाट की पीक पावर अचीव करेगा। 150 किलोमीटर यहाँ पर टॉप स्पीड होगी। 28.1 किलोवाट आवर की हमें यहाँ पर LFP बैटरी मिलेगी जो कि सिंगल चार्ज में अप टू 401 किलोमीटर का रेंज कवर करेगी और इसका मोटर रियर साइड में माउंट होगा। इंटीरियर कार का कुछ इस तरीके से होगा। इस कार में हमें काफी अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलेगा, प्लस हमें यहाँ पर काफी सारे स्मार्ट फीचर्स भी मिलेंगे। बाओजुन ये PV का डिजाइन थोड़ा बॉक्सी है, काफी हद तक चांसेस हैं इंडिया में ये डिजाइन नहीं चलेगा, इसलिए कंपनी इसके डिजाइन में कुछ चेंजेस करेगी। बट ओवरऑल ये बाओजुन ये PV को ही रिन्यू करके इंडियन मार्केट में बेचने वाले हैं। इसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए होने वाली है और जिस प्राइस पॉइंट पर ये आ रही है ये डेफिनेटली नेक्सॉन EV और XUV 400 जैसी इलेक्ट्रिक कार को टक्कर देगी। आप क्या सोचते हैं MG की इस थर्ड इलेक्ट्रिक कार के बारे में? अपने थॉट्स हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इलेक्ट्रिक कार्स में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं अब आपसे अपनी अगली वीडियो में।